यस, होली है ना, इसीलिए कलरफुल ये वाला रहता ही है, क्योंकि यहाँ पे दो कुशन की ज़रूरत रहता है। और यहाँ पे मस्त एकदम कलरफुल पीला 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 भी बहुत सुंदर लग रहा है। देखो ये देखो, पीला पीला, क्योंकि ये जो है ना, ये थोड़ा ब्लूइश टाइप है, टर्कोइश ब्लूइश। कैमरा में ब्लू दिख रहा है लेकिन थोड़ा ग्रीनिश है, मतलब कैमरा में एग्जैक्ट कलर पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पे ये वाला दे देते हैं, ये वाला दिया है, ऐसे करके दबाओ फिर से एकदम। दोनों का थोड़ा कलर अलग है, ये थोड़ा एक्वा टाइप का, थोड़ा ब्लूइश टाइप का है, अच्छा लग रहा है। ये बेंच पे भी कभी कभार इस तरह से छोटा सा बिछा के, ये वाला बिछा के रखती हूँ कि ताकि अच्छा भी लगता है, नया भी लगता है, थोड़ा सेफ रहता है, गंदा नहीं होता। स्वीटी का आज देखो, देखो देखो, मस्त लाल लाल पीला पीला पूरा रंग लगा गया ही है, इधर इधर लगा हुआ है। आज रंग खा लिया, क्या खाई पहले पार्टी में, क्या हुआ? समोसा, जलेबी, चिप्स, ये सब पार्टी? समोसा पार्टी? अरे बस, स्वीटी ने पोछ दिया। मैं बोला पोछ क्यों दिया, एटलीस्ट लेके आते ना फेस के साथ। अरे वाह, चाय वाला, चाय बन गया। सांतनु बोला स्वीटी चाय पीला। सांतनु को स्वीटी का हाथ का चाय कभी कभी पीने का मन करता है, तो आके स्कूल से, मतलब कॉलेज से आके चाय बना दे। स्वीटी का आज तो भूख नहीं है ना, आज मस्त समोसा खा के। गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह मैं क्या कर रही हूँ, देखो ये है उड़द दाल। उड़द दाल को मैंने भिगो के, रात को भिगो के रखा था, धो के यहाँ पे पानी झड़ने के लिए दिया है। और कल तो स्वीटी का इतना पार्टी था, पार्टी में बच्चों को मज़ा आता है ना, होली खेले और क्या क्या किए वो सब सुन रही थी, और बाहर भी गई थी कल शाम को। और यहाँ पे इसको पीस लिया, आज तो सुबह सुबह इतना पोपट हो गया ना, मिक्सी मेरा ख़राब हो गया, और एक बार पीसने के बाद मतलब चल नहीं रहा था। उसके बाद क्या करूँ समझ में नहीं। और दूसरा वाला छोटू वाला और एक मिक्सी है, वो तो स्विच उसका ख़राब है, तो सोचा था लेके जाऊँगी, मैं बोला होली के बाद ही लेके जाऊँगी। थैंक गॉड मेरे पास ये सिलवट्टा था, तो इसीलिए पूरा सिलवट्टे में पिसा, 80% दाल मुझे सिलवट्टे में पीसना पड़ा। सुबह सुबह मिक्सी में 2 सेकंड में हो जाता है, इसमें कितना टाइम लग जाता है, आधा घंटे के ऊपर लग गया था। और यहाँ पे फूल वगैरह सब कुछ अरेंज कर रही थी। कौन सा दूध है बोलो? गरम नहीं, ठंडा ठंडा है, मतलब नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर। ठंडा होगा तो और भी बेटर होता है। सूजी क्वांटिटी में अंदाजा दे रही हूँ, सौंफ बड़ी सौंफ दे रही हूँ मैं, शुगर अंदाजा से। अरे भी इसको मिक्स करके आधा एक घंटा रखेंगे ना तो बहुत अच्छा। कोई कोई इसमें केला डालता है लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे केला वाला पसंद ही नहीं है, मतलब केला वाला भी होता है लेकिन वो अलग हिसाब से। और यहाँ पे उड़द दाल को पिसा, मिक्सी खराब हो गया। हाँ देखो, आधा मतलब सिलवट्टे में, आधा क्या 80% मुझे सिलवट्टे में पिसना पड़ा। और इसको फ्लप्पी करना है, कुछ उठा के रखा है, थोड़ा थोड़ा करके करूँगी इसको फ्लप्पी। जस्ट मैंने अभी तक सॉल्ट नहीं डाला। और इसमें चॉप्ड अदरक, हरी मिर्च अपने अंदाजे से, कोई कोई कूट के डालते हैं, मैं चॉप डालती हूँ। और किशमिश, सॉल्ट मिक्स। और साइज अंदाजा से मैं नॉर्मली छोटे छोटे बनाती हूँ, कोई कोई तो बड़ा। शांतनु के हिसाब का भी देखो क्या बोलेगा, बोला बाद में जब टाइम आए तब बोल रहा है, तब बताऊंगा। वाह वाह, लेकिन पहले कुक को तो देखो, वाह, काश ऐसे ही रोज सज सज के खाना बनाया था। हाँ वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन घूंघट लो, तोता तोता लाल रंग का चूंच है, देखो लाल रंग का चूंच, ये मेरा चूंच है। मस्त लग रहा, मस्त। अरे लेकिन आज मिक्सी ने धोखा दे दिया। और इसको डार्क ब्राउन करते हैं, कोई कोई हल्का एकदम, डिपेंड करते हैं। और यहाँ पे गर्म पानी, सब बेकार हो गया, सबसे पूरा बेकार। क्या फायदा फिर इतना कष्ट करके फ्राई करने का? हाँ छोटे छोटे बना। और ये जो डूब जाता है, डूबने के बाद उसको उठाना है, और पानी आप निचोड़ सकते हो, जब ये डूब जाएगा तो उसको बचा लेना है। अब जो तैर रहे जो डूब रहे उसको बचा के यहाँ पे।
के खेत है कोटा। आ गया आ गया, सुनते सुनते आ गया। हमारे घर खागा हमारे घर का चीटी जो खुशबू सुंग सुंग के आ जाती है। होली कलर्स के लिए पिंक ब्लू ग्रीन, ये वाला कौन सा है? येलो ना, पर्पल। कलर कलर रिच कलर डू यू चूज स्वीटी, थाला भर के इतना रहने। हाँ वो तो जो एक पैकेट है ना, ये तो एक मुट्ठी में ही जाएगा। मानो होली है, ढालो ढालो ठीक से, ठीक से करो एकदम, करो जैसे हम लोग वहाँ पे करते हैं, पूरा एकदम धड़धड़ाली डालो, पूरा एकदम पूरा रंग लो पूरे किशन जी को। मस्त होली खेल रहे हैं। मजे किशन जी को बोला अभी तुमको लगाने के लिए। सूटी का स्टार्ट हो गया। बुरा ना मानो होली है। पिचकारी से कलर मारा सूटे, पिचकारी से कलर थोड़े मारते। हाँ किशन जी को, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। सारा रारा हम लोग वहाँ पे बोलते हैं ना सूटे। मातुआ का बैटर में दूध अपने अंदाजे से, दूध कम देंगे तो कड़क होगा, दूध ज्यादा देंगे तो सॉफ्ट होगा, पतला होता तो सॉफ्ट। कंसिस्टेंसी हाँ। और ये है, ये अलग टाइप का जो नॉर्थ में बनता है ना मालपुआ, वो अलग होता है। ये बंगाली मालपुआ ही बोल सकते हो, बंगाली उड़ीसा में भी शायद बनता है, ये बिहार में बनता है, लेकिन बिहार में नारियल नहीं पड़ता, पुआ बोलते हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ नारियल पड़ता है, हमारे यहाँ पे पुआ के आगे एक माल बनता है, मालपुआ। और कुछ कुछ मैं इस तरह से पतला बना रही हूँ स्वीटी के लिए, उसका एक दोस्त मतलब, लेकिन फिर भी थोड़ा ब्राउन, नॉर्मली ब्राउन। और कुछ कुछ इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा किया, थोड़ा सा मोटा मोटा करने से थोड़ा सा मैदा देना पड़ता है और दूध थोड़ा कम। और कुछ कुछ मालपुआ एकदम पतला वाला बना रही हूँ, स्वीटी को पतला थोड़ा व्हाइट व्हाइट कलर का पसंद है, सांतनु को कड़क वाला पसंद है, मुझे थोड़ा मोटा मोटा पसंद है। घर का सबका अलग अलग चॉइस हिसाब से होता है ना। और यहाँ पे इस तरह से दही बड़ा को भी मैंने फ्लैट वाला फ्राइंग पैन पे फ्राई करेंगे ना तो बहुत जल्दी भी फटाफट हो जाता है। देखो ये बहुत जल्दी हो रहा है, तो पहले मैं दही बड़ा को बना लिया, उसके बाद बाकी सब कुछ कर रही हूँ। और आप सबको भी होली का ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सबका जिंदगी में ऐसा होली का कलर के तरह रंग से भरा रहे, पूरी जिंदगी भरा रहे, और आप सब खुश रहना। और आप सब ने होली कैसा मनाए, क्योंकि तो ये हमारे बंगाली होली होता है। आज ही हमारे दोल पूर्णिमा, दोल पूर्णिमा प्रीति और शुभेच्छा सबाई के। यहाँ पे दही में शुगर दिया है, खट्टे के अंदर से थोड़ा सा सॉल्ट, स्मूथ करना, फेट लिया अच्छी तरह से। और ये मैंने थोड़ा पानी दे के रखा है, सॉफ्ट रहता है, जो नीचे वाला होगा ना वो सॉफ्ट रहेगा, तो धीरे धीरे के करके। और दही बड़े को ना इस तरह से मैं पानी में रख देती हूँ, फ्रिज में भी इस तरह से रख देती हूँ। और दही में मिक्सी में पिसा हुआ शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा मिक्सी ख़राब है तो शुगर तो सॉफ्ट हो जाता है कुछ देर पहले करने से। और ये इमली का चटनी इस बार मस्त बना है, तो मेरे दूसरे चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, ज़रूर देखना, क्योंकि इस बार का जो मसाला दिया था ना बहुत टेस्टी बना है। और गुजिया भी लाई थी और भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया, और भगवान के लिए मैंने ठंडाई भी बनाया था। ये सिंपल कॉटन की साड़ी पहना है, बहुत गर्मी है आज, जस्ट कॉटन की, ये तांत की साड़ियाँ बोलते हैं यहाँ, मतलब ये कॉटन का होता है, तांत का बोलते हैं, लेकिन आज झुमके दिखाने वाली, झुमके वाला बहुत खूबसूरत, पहली बार ये वाला झुमका पहना है। ग्रीन ग्रीन है इस तरह से, नीचे मोती है, और इसको डिजाइन देखो, यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर है। तरफ से वेट कर रहे हैं कब होली लगाए, कब रंग लगाए,
उसने तो रंग खेल के आ गए कल मस्त। बुरा ना वाला होली है मेरा होली थोड़ा सिंपल क्या होली इसको थोड़ी होली बोलते हैं ये पूरा ये नेचुरल गुलाल है फूल से क्या 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 फ्लावर और सब बनाया है बहुत अच्छा होता है मतलब पूरा घर सुगंध से हाँ इतना अच्छा खुशबू है ना रखने वाली होली के बाद है तो सिर्फ ग्रीन ही और भी कलर है मैचिंग सिर्फ मैचिंग तो पिंक लगाया सब कलर लगा सब कलर सबसे अट्रैक्टिव कलर है मेरा वो ब्लू वाला संतरू की ब्लू बहुत पसंद है ऐसे कर लगा वो आईपीएल में सब वो लगाते हैं ऐसे करके लगा लगा ये हाँ ऐसे करते हैं पूरा डिजाइन करके हुला हुप करो फिर हुप लगा लगा ये मेकअप चल रहा है अभी इसका इससे गुलाल से मेकअप कौन करता है हमेशा तो खुद को भी रंग लगाने चाहिए अरे कैमरामैन तो लगा कैमरामैन बच गया नहीं वो तो भाई काय को बचेगा स्वीटी बचाने देगी और कौन सा बाकी है रुको अरे मैं तो तुम्हारा येलो लेकिन दिख नहीं रहा है थोड़ा और जा हाँ अब ये येलो को दो कलर के बीच में लगाओ फिर वो फूटेगा गिर जा रहा तो मैं क्या करूं लगाओ लगाओ कैमरामैन नहीं बचा नहीं अरे रुको बाकी कोई ऐसे गरम कोई खेलता है अभी मुझे तो लगा दे दो अरे बहुत मस्त लग रहा है अच्छा तो लग रहा है लेकिन ये पीला वाला नहीं रह रहा मस्त लग रहा है ना उसमें सफे धीरे सुंदर तरीके से ड्रेस में ऐसे भी गिरा है वो ऐसे क्या मजा होली खेलने का बाल में नहीं डालेगा नहाने से पहले डाल देना अभी नहाएगा अभी थोड़ा नहाने ब्लू ना हो अरे नहीं नहीं ये वाला कर दे थोड़ा इंस्टाग्राम में डालना है थोड़ा कलर करते है ना लेकिन ब्लू वाला वो नेचुरल कलर के जैसे दिख रहा है और कौन सा है वो एक्चुअली नेचुरल और इंडिगो से बनाया गया है कौन सा करेगा अभी फ्लोर अच्छा लग रहा है लेकिन ब्लू वाला पूरा एकदम स्टाइल करके डिजाइन करके कि जैसे यहाँ पे अगर लोग को लगाए ना मस्त स्टाइल हो जाएगा का तोड़ चूला इसको साग देखो मैं खुद के बाल पे लगा कल लगा लेना कल लगा लेना थोड़ा सी तेल में कॉलीफ्लावर को फ्राई कर रही हूँ सारे सब्जियाँ जस्ट इस तरह से फ्राई कर लिया यहाँ पे गाजर और बीन्स को भी बड़ी इलायची छोटी इलायची लौंग जायफल नटमेग दालचीनी स्टार एनिस फुल चक्री जावित्री शाही जीरा घी में चॉप टोमेटो जीरा पाउडर धनिया थोड़ा ज्यादा हल्दी सॉल्ट अंदाजा से देखिए इसको अभी भूनना है और इसको ढक ढक के इस तरह से मसाला जैसा बना लिया अदरक कुटे हुए और सारे सब्जियां पनीर देख के पनीर फ्राई करके रखा था वो देख के अभी इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा भूनना है अभी मैंने गैस को ऑफ कर दिया बॉयल्ड राइस केवड़ा वाटर रोज वाटर चॉप्ड ग्रीन चिल्ली चॉप्ड धनिया चॉप्ड पुदीना और इसको मिक्स करना है और राइस में सॉल्ट नहीं दिया था पहले दे सकते हो थोड़ा सा सॉल्ट दे रही हूँ और ऊपर से थोड़ा सा घी देके और अभी तवा पे दम पे 20 to 30 मिनट्स
पे होली का गिफ्ट दिया जा रहा है इसको, तो होली हो दिवाली हो ईद आ रहा है, ईद के लिए क्रिसमस, मतलब और कौन कौन है ए स्वीटी, पारसी न्यू ईयर डे पे भी गिफ्ट चाहिए है सब, क्या है कॉफी कॉफी ओ छोड़ो बाबा, इसका कॉफी के साथ बाबा री इतना स्वीटी इतना सारा कॉफी खाएगी स्वीटी ने, अभी कॉफी कॉफी का नहीं स्वीटी ने अभी कॉफी पीना, कॉफी ले ला कॉफी, अरे नहीं वैसे नहीं गले पे लगाते वही तो ऐसा करते ट्रेन पे बैठते है ना, हाँ कॉफी ले लो कॉफी ले लो कॉफी, क्या क्या वो केटल के साथ आएगा मुझे पता है, ए चाय वाला है कॉफी वाला ऐसे नहीं घूमते, गरम दूध है डालेगा अच्छा वो डालेगा देगा, ट्रेन शांतनु ट्रेन स्टेशन मिस कर रहे हैं शांतनु, विरार लोकल पे चला जाओ तुमको सब मिल जाएगा, ये मैं फ्लाइट में करूंगा, फ्लाइट में ऐसा मजा नहीं आता लेकिन ट्रेन का मजा अलग ही होता है। और ये हमारा सोसाइटी में होली का दहन हो रहा है, ये जो वीडियो देख रहे हो ये होली का 24th का है, मतलब जो भगवान का होली होता है ना इस दिन, बंगाली होली इस दिन होता है जिस दिन भगवान का होली बोलते हैं, और एक होली का दहन 8 बजे हो चुका था साइड में दिख रहा था और एक 11 बजे का टाइमिंग था, तो 11 बजे मैं गई थी नीचे क्योंकि पूजा भी थोड़ा बहुत करना था, फायर एलिमेंट्स है ये बेसिकली, बहुत अच्छा लगता है और लेकिन धीरे धीरे वो एक साइड में गिरा भी था क्योंकि काफ़ी लंबा होता है ना लकड़ी वगैरह जलने, और हवा बहुत ज़्यादा था इसलिए थोड़ा सा मतलब जलने में टाइम भी लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा, सब यहाँ पे इस तरह से घूम रहे, मतलब जो परिक्रमा होता है वो कर रहे थे, जो जिनका जैसा रिचुअल होता है उस हिसाब से पूजा करना होता है, हमारे में ये उतना नहीं होता है शायद, मैंने देखा नहीं है बंगाली में, लेकिन हाँ शायद कहीं जगह पर होता होगा, लेकिन मुंबई आने के बाद मैं हर साल हमारे कॉलोनी पे भी होता था, बहुत अच्छा लगता है। अभी इतना हवा चल, एक 8 बजे हुआ था एक 11 बजे हुआ था, मतलब दो अलग अलग मुहूर्त में हुआ था, ये 11 बजे वाला है क्योंकि 8 बजे मैं वो सब तैयारी वगैरह कर रही थी ना, ये पार्किंग के जस्ट वहाँ पे मतलब रैम पे हो रहा है क्योंकि जहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम है वहाँ पे मतलब अलाउड है, क्या भूल भुलैया सचमुच देखने में एक ही जैसे पार्किंग है लेकिन अलग अलग फ्लोर है ना, काफी दिन काला काला देख के पिंक पिंक अच्छा लग रहा है, मस्त दिख रहा है सच में, देख सीटी हो जाओ, बोलो आज का मेनू क्या क्या है। आज के मुझे लग रहा है मैं दही बड़ा का ठेला लगा, आज दही बड़ा है ज्यादा करके बनाया, देना भी है इस वजह से, और मालपुआ तो है ही, मालपुआ जैसा है ये तो है। हाँ, वो ये वेज पुलाव, दही बड़ा ये भगवान का प्रसाद है, आप सब भी आ जाओ हमारे होली के मेनू पे, होली पार्टी में, तो आप लोग दही बड़ा खाओ और मालपुआ है, देखो ये वाला देखो काला लग रहा है ना कैमरा पे, ये शांतनु की वजह से मुझे एकदम मतलब उसको ब्राउन करना पड़ता है, सफेद वाला ये कौन खाता है ये स्वीटी, इसका जो टेस्ट है स्पेशली जो ये बाहर वाला, मुझे हमेशा लगता है कि इसे बाहर वाला खाओ अंदर वाला छोड़ दो, ये जबरदस्त टेस्ट है इसका, जो टेस्ट है ना पूछो मत, और एक तो जो खाया ना वो तो एकदम देखने लायक, और अरे कल भी स्पेशल पार्टी होगा वो बंगाली चैनल हो जाएगा ना, बंगाली चैनल में आप लोग प्यारा जरूर ब्लेसिंग बरसाना, हाँ तो भी ना ये दो टाइप होली का तो, और एक मेन सोस्टो में तो दिखाया नहीं, गुजिया ये वाला मावे वाला गुजिया होता है, ये मैंने नहीं बनाया, ये सुबह से हाँ,
और ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला, ये नारियल कोकोनट और मतलब मावा एक साथ मिक्स रहता है, वो छोटू छोटू देखो कितना छोटू छोटू, आप लोग गुजिया खाओ, मिनी गुजिया। ये वाला मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने मंगवाया था कुछ और कुछ आ गया था। शांतनु का फेवरेट चीज, शांतनु के लिए बनाया था, शांतनु बहुत खुश हो गया था शादी के पहला मतलब होली पे बनाए थे मैं, तो तब से शांतनु बोलते हर होली पे मतलब मालपुआ होना ही चाहिए। अबे अपने अपने मालपुआ नहीं, दही बड़ा, दही बड़ा मालपुआ वैसे भी ज्यादा शांतनु का, दही बड़ा पसंद है, थोड़ा वो खट्टा मीठा टाइप का जो होता है ना, ग्रीन चटनी इसमें मैं नहीं देती हूँ, वो थोड़ा अलग टाइप का है, उसका वो पुदीना उसमें डोमिनेट कर है, वो शांतनु बोलते हैं जहाँ पे डालो वो पुदीना इज अ वेरी डोमिनेटिंग पर्सन, जैसे यहाँ पे ये जो है ना इसमें पुदीना का खुशबू ज्यादा आएगा, शांतनु से नहीं बोलते पुदीना का चटनी किसी में मत डालो, लेकिन अच्छा लगता है मुझे, पुदीना मत बनो मतलब डोमिनेटिंग, धनिया पत्ता अच्छा है वो सबके साथ घुल मिल जाता है। और ये पुलाव एकदम खिला खिला बिना देखो, हाँ मतलब थोड़ा फ्राई करके अच्छा लगता है, आज तेल था फ्राई कर लिया, विदाउट अनियन गार्लिक का भी बिरयानी इतना अच्छा हो सकता है, लेकिन सब्जियों का ऐसा ही फ्राई किया ना तो और सारे घर ठीक ठाक हो गए, अच्छा लग रहा है, कल भी छुट्टी है ना, कल हैप्पी होली टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स, आप सब ने मस्त होली खेले होंगे, क्या क्या किया तो बताना जरूर, और बस तो आज का वीडियो स्वीटिस हो गई, आज का वीडियो भी यही पेंट करते, वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक जरूर करना, हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स है तो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते करके और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।